सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती जी की कालजयी रचना है। उनकी पुस्तक सूरज का सातवां घोड़ा से वही अंश में पढ़ रहा हूं जिसका शीर्षक है सूरज का सातवां घोड़ा, अर्थात वह जो सपने भेजता है। अगले दिन मैं गया और माणिक मुल्ला से बताया कि मैंने यह सपना देखा तो झल्ला गए, देखा है तो मैं क्या करूं, तब जब देखो तब सपना देखा है, सपना देखा है, अरे कौन शेर चीता देखा है कि गाते फिरते हो। जब मैं चुप हो गया तो माणिक मुल्ला उठकर मेरे पास आए और सांत्वना भरे शब्दों में बोले, ऐसे सपने तुम अक्सर देखते हो? मैंने कहा हाँ। तो बोले, इसका मतलब है कि प्रकृति ने तुम्हें विशेष कार्य के लिए चुना है। यथार्थ जिंदगी के बहुत से पहलुओं को, बहुत सी चीजों के आंतरिक संबंध को और उनके महत्व को तुम सपनों में एक ऐसे बिंदु से खड़े होकर देखोगे जहां से दूसरे नहीं देख पाएंगे, और फिर अपने सपनों को सरल भाषा में तुम सबके सामने रखो, समझे? मैंने सिर हिलाया कि हाँ मैं समझ गया। तो फिर बोले, और जानते हो ये सूरज के सातवें घोड़े के भेजे हुए। जब मैंने पूछा कि यह क्या बला है तो और लोग अधीर हो उठे और बोले, यह सब मैं बाद में पूछ लियो और माणिक मुल्ला से कहानी सुनाने का इसरार करने लगे। माणिक मुल्ला ने आगे कहानी सुनाने से इनकार किया और बोले, एक अविच्छिन्न क्रम में इतनी प्रेम कहानियां बहुत काफी है। सच तो यह है कि उन्होंने इतने लोगों के जीवन को लेकर एक पूरा उपन्यास ही सुना डाला, सिर्फ उनका रूप कहानियों का रखा ताकि हर दोपहर को हम लोगों की दिलचस्पी बदस्तूर बनी रहे और हम लोग उबे ना, वरना सच पूछो तो ये उपन्यास ही था। और इस ढंग से सुनाया गया था कि जो लोग सुखांत उपन्यास के प्रेमी हैं वे जमुना के सुखद वैधव्य से प्रसन्न हो, स्वर्ग में तन्ना और जमुना के मिलन पर प्रसन्न हो, लिली के विवाह से प्रसन्न हो और सती के चाकू से माणिक मुल्ला के जान बच जाने पर प्रसन्न हो, और जो लोग दुखांत के प्रेमी हैं वे सती के भिखारी जीवन पर दुखी हों, तन्ना की रेल दुर्घटना पर दुखी हों, लिली और माणिक मुल्ला के अनंत विरह पर दुखी हों। साथ ही माणिक मुल्ला ने हम लोगों को यह भी समझाया कि यद्यपि इन्हें प्रेम कहानियां कहा गया है पर वास्तव में ये नित्य प्रेम कहानियां, अर्थात जैसे उपनिषदों में ब्रह्म नहीं है, नेति नेति कहकर ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण किया गया है, उसी तरह उन कहानियों में प्रेम नहीं था, यह भी प्रेम नहीं था, यह भी प्रेम नहीं था, कहकर प्रेम की व्याख्या और सामाजिक जीवन में उसके स्थान का निरूपण किया गया। सामाजिक जीवन का उच्चारण करते हुए माणिक मुल्ला ने फिर कंधे हिलाकर मुझे सचेत किया और बोले, तुम बहुत सपनों के आदि और तुम्हें बात गृह में बांध लेनी चाहिए कि जो प्रेम समाज के प्रगति और व्यक्ति के विकास का सहायक नहीं बन सकता वह निरर्थक है। यही सत्य है। इसके अलावा प्रेम के बारे में कहानियों में जो कुछ कहा गया है, कविताओं में जो कुछ लिखा गया है, पत्रिकाओं में जो कुछ छापा गया है, वह सब रंगीन झूठ है और कुछ नहीं। फिर उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने सबसे पहले प्रेम कहानियां इसलिए सुनाई कि रूमानी विभ्रम हम लोगों के दिमाग पर ऐसी बुरी छाया हुआ है कि इसके सिवाय हम लोग कुछ भी सुनने को तैयार ही ना होता। कथाक्रम के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए उन्होंने कहा कि सात दोपहर तक चलने वाला एक क्रम बहुत धार्मिक पाठ चक्रों के समान है, जिसमें एक किसी संत के वचन या धर्म ग्रंथ का एक सप्ताह तक पारायण होता है, और रोज उन्होंने हम लोगों को एक कहानी सुनाई और अंत में निष्कर्ष बांटा। माणिक कथा चक्र में दिनों की संख्या सात रखने का कारण भी शायद बहुत कुछ सूरज के सात घोड़ों पर आधारित था। अंत में मैंने फिर पूछा कि सूरज के सात घोड़ों सुनकर क्या तात्पर्य था और सपने सूरज के सातवें घोड़े से कैसे संबंध है, तो बड़ी गंभीरता से बोले कि देखो, ये कहानियां वास्तव में प्रेम नहीं पर उस जिंदगी का चित्रण करती हैं जिसे आज का निम्न मध्यम वर्ग जी रहा है। उसमें प्रेम से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है आज का आर्थिक संघर्ष, नैतिक विश्रृंखलता, इसलिए इतना अनाचार, निराशा, कटुता और अंधेरा मध्य वर्ग पर छा गया है। पर कोई ना कोई ऐसी चीज है जिसने हमें हमेशा अंधकार चीर कर आगे बढ़ने, समाज व्यवस्था को बदलने और मानवता के सहज मूल्यों को पुनः स्थापित करने की ताकत और प्रेरणा दी, चाहे उसे आत्मा कह लो चाहे कुछ और विश्वास, साहस, सत्य के प्रति निष्ठा उस प्रकाशवाही आत्मा को उसी तरह आगे ले चलते हैं जैसे सात घोड़े सूर्य को आगे बढ़ा ले चलते हैं। कहा भी गया, सूर्य आत्मा जगतस्तस्त ततुश्च, तो वास्तव में सूर्य के रथ को आगे बढ़ना ही हुआ। यह कि हमारे वर्ग विगलित, अनैतिक, भ्रष्ट और अंधेरे जीवन की गलियों में चलने से सूर्य का रथ काफी टूट फूट गया है, और बेचारे घोड़ों की तो यह हालत है कि किसी की दुम कट गई तो किसी का पैर उखड़ गया, तो कोई सूख कर ठिठरी हो गया है तो किसी का खुर घायल हो गया। अब बचा है सिर्फ एक घोड़ा जिसके पंख अब भी साबित है, जो सीना ताने गर्दन उठाए आगे चल रहा है, वह घोड़ा है भविष्य का घोड़ा, तन्ना जमुना और सती के नन्हे निष्पाप बच्चों का घोड़ा, जिनकी जिंदगी हमारी जिंदगी से ज्यादा अमन चैन की होगी, ज्यादा पवित्रता की होगी, उसमें ज्यादा प्रकाश होगा, ज्यादा अमृत होगा। वही सातवां घोड़ा हमारे पलकों में भविष्य के सपने और वर्तमान के नवीन आकरण भेजता है ताकि हम वह रास्ता बना सकें जिन पर होकर भविष्य का घोड़ा आए, इतिहास के नए पन्ने लिख सके जिन पर अश्वमेध का विजयी घोड़ा दौड़े। माणिक मुल्ला ने अभी बताया कि यद्यपि बाकी छह घोड़े दुर्बल, रक्तहीन और विकलांग,
और सातवां घोड़ा तेजस्वी और शौर्यवान है और हमें अपना ध्यान और अपनी आस्था उसी पर रखनी चाहिए। नमस्कार, मैं नवनीत पांडे, मैं पढ़ रहा था धर्मवीर भारती की रचना सूरज का सातवां घोड़ा। धन्यवाद।